हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पांजलि आप सभी का दीपांजलि स्पेल में स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोग के साथ में आलू भिंडी की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत टेस्टी बनती है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें हम 3 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, आप दूसरा कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे सब्ज़ी बहुत अच्छी आती है। तो तेल को हम गर्म होने देंगे। और सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 10 से 15 लहसुन को बारीक काट लिया है, किसा हुआ अदरक लिया है, 2 आलू को हमने इस तरह से लंबे साइज़ में काट लिया है और 3 प्याज लिया हमने। तो तेल गर्म हो गया है, तो इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच जीरा। जीरे को चटकने देंगे और साथ में ही अब हम इसमें लहसुन डाल देंगे। लहसुन को हल्का गोल्डन होने तक हम इसे भून लेंगे। गैस की आँच को हमें मीडियम पर रखना है, जिससे कि सब्ज़ी जलेगी नहीं और मसाले भी अच्छी तरह से भुन जाएंगे। और इसे हल्का सा हम इस तरह से चला देंगे। और आप ज़्यादा तीखा अगर खाना पसंद करते हैं तो आप यहाँ पे 2 हरी मिर्च भी काट करके डाल सकते हैं। तो लहसुन हल्की सी भुन चुकी है, ये देखिए। तो अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। और साथ में इसमें हम अदरक भी डाल देंगे। और सारी चीज़ों को अब हम मिक्स कर देंगे। और मीडियम आंच पे ही हम प्याज को हल्का सा पका लेंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा ही हम इसे पकाएंगे थोड़ा, जिससे ये ट्रांसपेरेंट जैसे दिखने लगती है, इस तरह से इसका कच्चापन निकल जाए। तो इसे हम 1 से 2 मिनट तक इस तरह से चलाते हुए भुनेंगे। तो प्याज हो चुकी है, तब इसमें हम आलू डाल देंगे। और मीडियम आंच पे हम आलू को भी सारी सब्जियों के साथ में मिक्स कर लेंगे और इसे हम भूनेंगे। 1 से 2 मिनट तक हम आलू को भी इस तरह से चलाते हुए भून लेंगे। और आप देखेंगे हमने आलू को लंबे साइज में काटा है, लेकिन हम इसे ज़्यादा मोटा नहीं काटा है, हमें जैसे थोड़ा पतला ही काटना है, जिससे जल्दी पक जाएगी और देखने में भी अच्छे लगते हैं लंबे लंबे, इस तरह से हमने साइज़ में काटा है। तो और अब इसमें हम थोड़े से मसाले ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 1 चम्मच हल्दी डाल दी मैंने, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और यहाँ पे हम नमक भी ऐड कर देंगे। तो स्वाद अनुसार हमें नमक ऐड कर देना है। अब हम सारी चीज़ों को मिला देंगे। तब हम मसाले आलू के साथ मिला करके इसे 2 मिनट तक इसी तरह चलाते हुए भुनेंगे मीडियम आंच पे ही। तो आलू को हमने भुन लिया है, अब इसे हम ढक करके पकाएंगे। तो 10 मिनट के लिए हमें पकाना है धीमी आंच पे। 10 मिनट हो चुके हैं, हम चेक कर लेते हैं। तो पहले हम सारे मसालों को और सब्जियों को मिला लेंगे, चला देना इस तरह से हमें। और अब हम चेक कर लेते हैं कि कितनी पकी हुई है आलू। तो यहाँ पे मैंने एक प्रेस करके देखी, तो अभी अच्छी तरह से नहीं पकी हुई है। तो अब इसी टाइम पे हमें इसमें भिंडी ऐड कर देना है। तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम भिंडी ली हुई है, इसको हमने धो कर के काट कर रखा हुआ था, और इसे भी हम मिक्स कर देंगे मीडियम आंच पे। हम इसे भून लेंगे आलू के साथ में इस तरह से चलाते हुए। तो हमने भिंडी को भून लिया है और अब इसे हम ढक करके पकाएंगे। तो हमें 5 से 7 मिनट के लिए हम इसे मीडियम आंच पे ही ढक करके रख देंगे, जिससे भिंडी भी नरम हो जाएगी और आलू भी पक जाएगी। तो 5 मिनट हो चुके हैं, हम सब्जी को चेक कर लेते हैं। मिला देंगे हम पहले सारी सब्जियों को। भिंडी अच्छी तरह से नरम हो चुकी है, तो हम सारी चीज़ों को मिला लेंगे और फिर हम चेक कर लेते हैं आलू पकी हुई है नहीं। भिंडी को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो जल्दी पक जाती है। तो यहाँ पे मैं आलू चेक कर लूँगी। तो आप देखेंगे आलू अच्छी तरह से मैश हो रहा है, तो अच्छी तरह से पक चुका है। तो अब हम बिना ढके इसे 2 मिनट तक और पकाएंगे सब्जी को, जिससे ये कुरकुरी बन जाएगी। मीडियम आंच पे हमें इसे पकाना है। तो 2 मिनट हो चुके हैं, इसी तरह से हमने इसे चलाते हुए पका लिया है।
और ये देखिए बहुत अच्छी तरह से हमारी सब्ज़ी पक कर के तैयार हो गई है, कुरकुरी सी। और अब इसमें हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच, आधा चम्मच गरम मसाला ऐड कर देंगे। और यहाँ पे मैंने आधा नींबू लिया है तो इसका भी हम रस डाल देंगे, इसमें आधा नींबू का रस। सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और आप देखेंगे हमारी आलू भिंडी की कुरकुरी सब्ज़ी बनकर के तैयार हो गई है। यह बहुत टेस्टी लगती है खाने में, आप इसे चावल, रोटी या फिर पूड़ी किसी के भी साथ, पराठे के साथ में सर्व कर सकते हैं। यह बहुत टेस्टी लगती है, आप इसे टिफ़िन में या बच्चों के लिए भी बना सकते हैं। तो हमारी सब्ज़ी बनकर के तैयार है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।